वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, एकता कपूर के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि कुंडली भाग्य सीरियल में से अब लीड एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या जल्द ही शो को कहने वाली है अलविदा। और इसके पीछे की बड़ी वजह और कोई नहीं बल्कि एकता कपूर ही है। वेल दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आपको बता दें, कुंडली भाग्य की फेम और सबसे दमदार कलाकार श्रद्धा आर्या एकता कपूर की बहुत ज्यादा खास है। यही वजह है कि बार बार एकता कपूर श्रद्धा आर्या की फीस में भी इंक्रीमेंट करती रहती हैं, ताकि श्रद्धा आर्या किसी भी कीमत पर कुंडली भाग्य को अलविदा ना कहें। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट सामने आई है। खबर है कि कुंडली भाग्य सीरियल 20 साल का बड़ा लीप लेने वाला है। जी हाँ, 20 साल का लीप, जिसमें आपको छोटी सी काव्या एक 24 साल की बड़ी लड़की देखने को मिलेगी। यानी कि वो बहुत बड़ी हो चुकी है, शादी की उम्र हो चुकी है, और इस दौरान शक्ति अरोड़ा की शो से एग्जिट है और सिंगल मदर के तौर पर वो खुद अकेली अपनी बेटी को, यानी कि प्रीता अपनी बेटी काव्या को पालती पोसती नजर आएंगी। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि श्रद्धा आर्या इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही हैं कि वो इतना एजड और इतना बूढ़े रोल निभाएंगी, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी और उन्हें टीवी में ही काफ़ी बूढ़ा दिखना पड़ेगा। और इसके लिए एकता कपूर के खिलाफ गई हैं प्रीता, यानी कि श्रद्धा आर्या। लेकिन श्रद्धा आर्या की किसी भी डिमांड को सुनने के लिए साफ इनकार कर दिया है एकता ने, जिसके बाद श्रद्धा आर्या ने बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला कर लिया है कि वो इस शो को अलविदा कह देंगी। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो अब एकता कपूर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत गिरने वाली है, क्योंकि कुंडली भाग्य में इकलौती जान अब सिर्फ श्रद्धा आर्या बची थी। अगर वो भी चली गई, उनका रिप्लेसमेंट आया, तो शो को भारी मुश्किलों का सामना झेलना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि शो को बंद करना पड़े। क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।